अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब हरियत से होंगे। आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ एक्ट्रेस है, 2015 मॉडल है। इसका कंप्लेन आ रही है, कस्टमर कह रहा है कि इधर से रेफ्रिजरेंट फिल करवाया हुआ है और गाड़ी के अंदर बिल्कुल ठंडक नहीं है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो किसी ने रेफ्रिजरेंट फिल किया है, ओवर रेफ्रिजरेंट है, मतलब दो गाड़ियों की रेफ्रिजरेंट एक गाड़ी में फिल की है। आप ये देख लें लो प्रेशर की गेज किधर जा रही है और हाई प्रेशर की गेज किधर जा रही है। तकरीबन दो घंटे में यहाँ गाड़ी ऑफ करके रखी हुई थी और अब ये गेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्वांटिटी शो कर रही है। इसी वजह से इसके अंदर जो है ठंडक का भी मसला आ रहा था और गाड़ी कूलिंग भी नहीं कर रही थी। और अगर इस तरीके थोड़ी देर ज़्यादा गाड़ी का एसी ऑन रहेगा तो आपके पूरे सिस्टम के अंदर कार्बन भी बन जाएगा और आपका पूरा कंप्रेसर भी जाम हो जाता था और बाकी का भी चीज़ों का नुकसान होता था। गाड़ी स्टार्ट करते साथ ही थोड़ी देर के अंदर इसका कंप्रेसर के ऊपर जो सेफ्टी वाल्व होता है उधर से हाई प्रेशर रिलीज़ कर रहा था, जैसा कि चोकिंग के दौरान होता है। तो मुझे डाउट था, इस वजह से गाड़ी बंद करके इसे अब चेक किया। आप ये देख सकते हैं गेजेस लगी हुई हैं, लो प्रेशर के ऊपर भी लगाई हुई है, हाई प्रेशर के ऊपर भी लगाई हुई है। सेकंड इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके लोग काम करते हैं और बाद में फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और बाद में खुद भी परेशानी में फंस जाते हैं और जो काम करवा रहा होता है वो भी परेशानी का सामना करता है। तो कोशिश किया करें काम को अच्छे तरीके किया करें। अब इसके अंदर से हम रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करेंगे और इसकी जो जेन्युइन क्वांटिटी होती है 120 उधर तक करेंगे और फिर देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में वो क्लियर होता है कि नहीं। एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट भी करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर इसकी रेफ्रिजरेंट हम रिलीज़ कराएंगे और चेक करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है नहीं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाएगा इंजन का, तो मे भी आपको मेरा साउंड थोड़ा कम सुनाई देगा। गाड़ी स्टार्ट करके इसका इंजन स्टार्ट करते हैं और इसका कंप्रेसर ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट आ रहा है और फिर इंशाल्लाह इसे रिलीज़ करेंगे गैस को, हम इसकी जेन्युइन क्वांटिटी पे लाएंगे और देखेंगे जो प्रॉब्लम है। चलाया जाए कंप्रेसर, बंद करके फिर चलाओ। सिस्टम पूरा स्टक हुआ है बिल्कुल, अब कंप्रेसर ये देखें, ये देखें कितना ओवर रेफ्रिजरेंट है, सीधा 400 पे आ रहा है, 450 के करीब। और ये देखें सेक्शन क्या कर रहा है, इतना ओवर रेफ्रिजरेंट किसी ने फिल किया। चलते सारी थोड़ी देर के बाद सेफ्टी वाल्व रिलीज़ करता है गैस को और कंप्रेसर ट्रिप करा देता है। जाने लोग कैसे काम करते हैं, समझ से बाहर है बात। वीडियो में मैंने आपको दिखाया इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, अब इंशाल्लाह हम इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम करेंगे और देखेंगे जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। इसमें ओवर रेफ्रिजरेंट का फॉल्ट आ रहा है और इसमें दूसरा अभी तक कुछ मुझे मिला नहीं है। गड्डी बंद कर दो, गड्डी बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दी है अब हमने। अब देखें आपको दिखाया मैंने फॉल्ट क्या है, अब इसका हम रिलीज करते हैं। ऑयल की हालत अभी तक ठीक है क्योंकि बार बार ट्रिप कर जाता है सिस्टम, अगर तो ये थोड़ी देर ज़्यादा चल जाए तो उसी टाइम कार्बन बनने लग पड़ता है। और आप देख सकते थे हाई प्रेशर इसका कितना इंक्रीज़ कर रहा था, अभी भी देखें कितनी निकालने के बाद भी आगे जा रही है गेज। और इसके अंदर से डिस्चार्ज करेंगे रेफ्रिजरेंट को, अभी भी ज़्यादा है और नीचे आनी चाहिए, अभी भी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और थोड़ी सी रिलीज़ करते हैं। देखेंगे ये अभी भी कितनी आगे जा रही है। मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसा गुमान करते हैं कि दो तीन गाड़ियों की रेफ्रिजरेंट एक ही सिस्टम में डाल देंगे तो शायद डबल ठंडक करेगा। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हैं, आप देखें रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी मैंने मज़ीद रिलीज़ की है, थोड़ी सी और करते हैं, अभी भी थोड़ी ज़्यादा है।
अभी भी देखे भाग भाग के गेज आगे को जा रही है, न जाने कितना ओवर रेफ्रिजरेंट फील कर चुका है बंदा। आप देखते हैं स्टार्ट करके, आप देख सकते हैं 150 पे आ गया। हाँ मैं देख के आऊँ। स्टार्ट करो ऐसा गड्डी। क्या हुआ लाइट का? कौन सी लाइट का? उसकी गोडिस की। वो दूसरी भेजेगा। दूसरी भेजेगा अब? वो हरा दे। प्यारा तो आज ही देख सकते हैं कि ये जब नीचे आ गई है, हाई प्रेशर भी नीचे आ गया, कंप्रेसर अंदर आन है। एक बार इसे फुल गैस को जो है ना डिस्चार्ज करेंगे, दोबारा अपने तरीके से फिल करेंगे। प्रॉब्लम आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो में दिखाया है, अंदर चलते हैं रेफ्रिजरेंट बाद में दोबारा फिल करेंगे वैक्यूम करके, क्योंकि इसके अंदर कैसा उन्होंने क्वालिटी का रेफ्रिजरेंट फिल किया वो भी मालूम नहीं है। उधर से बंद कर देते हैं सिस्टम, गाड़ी भी ऑफ कर देते हैं। जो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं वैक्यूम के ऊपर लगाया सिस्टम पूरा, इसके अंदर से पहला रेफ्रिजरेंट हमने डिस्चार्ज कर दिया और ये दोबारा वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम करके इंशाल्लाह इसको रेफ्रिजरेंट के साथ लगाएंगे, इसमें मज़ीद ऑयल फिल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पहले ही बहुत ऑयल है। तो इंशाल्लाह ये सिलेंडर के साथ लगा के दोबारा रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व होता है कि नहीं। कम होने के बाद मैं इंशाल्लाह सिलेंडर के साथ लगा के फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी रेफ्रिजरेंट इसमें इंसेक्ट करने लगे हैं, सिलेंडर के साथ लगा दिया। गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर ऑन करके फिर बाकी का रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर ऑन करके बाकी का रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं। कंप्रेसर का वैक्यूम आना स्टार्ट हो गया, अब सिलेंडर उल्टा कर देते हैं। बाकी जरा फिर फिल करते हैं। देखे ठंडा खाने लग पड़ी है। रेफ्रिजरेंट फिल करने के दौरान आप देख सकते हैं पाइप के ऊपर आइस आ रही है बार बार और हमारी पाइप के अंदर इतनी खास कोई ठंडक भी नहीं बढ़ रही है। मज़ीद इसके अंदर मैं थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट फिल करके देखता हूँ क्योंकि इसकी ये गेज -0 में जा रही है जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता है। मज़ीद और रेफ्रिजरेंट फिल करके देखते हैं हमारी गेज क्या रिएक्ट करती है और पाइप के ऊपर दोबारा देखते हैं आइस आ रही है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गेज हमारी -0 में जा रही है जो कि ये साइन होता है कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व चोक है और ये आइस भी आना इस चीज़ की अलामत होती है। आप देख सकते हैं गेज के ऊपर अभी भी गेज हमारी 0 में आ रही है, ये साइन होता है कि आपका एक्सपेंशन वाल्व चोक है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मैं डाल रहा हूँ मगर हमारा रेफ्रिजरेंट जाने के बाद ठंडक नहीं बन रही है। पाइप के ऊपर आप देखें नमी आ रही है, अंदर ठंडक नहीं आ रही है।
और गेज हमारी बिल्कुल जीरो के ऊपर है। इसी वजह से शायद किसी भाई ने ओवर रेफ्रिजरेंट भी फिल करके चेक किया मगर सिस्टम नहीं चला। ये 100% आपका एक्सटेंशन वाल्व चोक है। हाई प्रेशर ऊपर जा रहा है, लो प्रेशर आप देखें जीरो पे आ गया, जीरो से भी बैक आ गया। जब आपकी गेज रेफ्रिजरेंट फिल करने के बाद भी जीरो से ऊपर ना जाए या 10 से ऊपर ना जाए तो आपका एक्सटेंशन वाल्व चोक होता है। अब इसका एक्सटेंशन वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मर्सिडीज एक्ट्रेस का हमने एसी का वाइब्रेटर ओपन कर दिया है। ये पूरा डैशबोर्ड ऊपर से उठाना पड़ता है, खोलना पड़ता है, और ये सेंटर के अंदर इसका बॉक्स आता है जिसके अंदर हमारी कूलिंग कॉइल वगैरह आती है और कूलिंग वायर के साथ ही इसका एक्सपेंशन वाल्व लगाता है। तो ये देख लें आप, ये सारा ओपन किया है। अब इंशाल्लाह बॉक्स में आपको दिखाता हूँ और एक्सपेंशन वाल्व इसका आप रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर किसी ने रेफ्रिजरेंट ओवरफिल किया, जो पर्पस मेरी समझ में आ रहा है कि शायद उसकी ठंडक नहीं बन रही थी जिस वजह से वो रेफ्रिजरेंट फिल करता रहा मगर प्रॉब्लम उसको डायग्नोज नहीं हो पाया कि फॉल्ट किस जगह पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका फॉल्ट डायग्नोज किया। जो फॉल्ट मुझे इसका मिला है आपको मैंने दिखाया कि एक्सपेंशन वाल्व में है। अब एक्सपेंशन वाल्व इसका खोलेंगे और रिप्लेस करेंगे और फिर रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे, इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये खोला है हमने इसका, इसके अंदर ही आता है ब्लोवर भी, और ये आप देखें ये इसका एक्सपेंशन वाल्व लगा है। ये भी पूरा बॉक्स ओपन करेंगे इंशाल्लाह, फिर एक्सपेंशन वाल्व खोल के आपको दिखाता हूँ। जी मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं कूलिंग बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। इसके इधर ये पाइप वगैरह थे, ये पाइप मैंने ओपन कर दिए हैं। ये ऊपर इसके ये गोट लगा हुआ था जिसके अंदर एक लंकी बोल्ट आता है, बाद में अंदर दो लंकी बोल्ट आते हैं। जब आप ये ओपन कर लेते हैं तो ये एक्सपेंशन वाल्व ओपन हो जाता है। ये देखिए नीचे भी इसके एक गोट दिया जाता है, अगर आप देख पा रहे हो। मैं पूरा बॉक्स ओपन नहीं किया क्योंकि अंदर वाइब्रेटर हमारा बिल्कुल क्लीन है, आप देख लें। इस वजह से हमने साइड से ही थोड़ी सी पिन्ने वगैरह इसकी ओपन की हैं। ये पिन्ने आती हैं लगी, इधर लॉक लगे होते हैं। ये खोलने के बाद आप इधर से ही इसका एक्सपेंशन वाल्व बाहर निकाल सकते हैं। एक्सपेंशन वाल्व इसका चोक है अंदर, जिस वजह से हमारी रेफ्रिजरेंट जाने के बाद भी हमारी ठंडक नहीं बन रही थी। और गेज के ऊपर मैंने आपको दिखाया भी है कि जब आपका एक्सपेंशन वाल्व चोक होता है तो किस तरीके रिएक्ट करता है। अभी ओपन कर लेते हैं इंशाल्लाह, एक्सपेंशन वाल्व बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ वीडियो कंटिन्यू करके। और जी भाई ये देख लें ओपन हो गया है, और जब आप नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर एक्सपेंशन वाल्व लगाएं तो इन सीलों के अंदर ग्रीस लगा के फिर फिट करेंगे, वरना सम टाइम फिर ये सीलें भी लीक हो जाती हैं। और ये एक्सपेंशन वाल्व चोक है, मैंने इसे मुंह की मदद से प्रेशर दिया, इसकी एक तरफ से हवा जो है बहुत टाइट जा रही है, मतलब जितना इजीली इसे इन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है मगर इसके इनसाइड प्रॉब्लम है। अभी एक्सपेंशन वाल्व चेंज करते हैं और इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा पहले प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व होता है या नहीं। बहुत इजीली हम अपना एक्सपीरियंस बेस पे अपने रब के फजल से अपने स्किल के ऊपर काम करके काम को अच्छे तरीके डायग्नोस करके फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश और मेहनत करें ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें ताकि आप अच्छे और बेहतर रोज़गार कमा सकें और अपने अहल वाल को अच्छी ज़िंदगी मुहैया कर सकें। अब ये एक्सपेंशन वाल्व हम चेंज करेंगे क्योंकि इसमें प्रेशर देने के बावजूद इधर से एयर थ्रो होने के बाद आउट नहीं प्रॉपर आ रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। और ये पहले भी किसी ने रिप्लेस किया हुआ है, ये देखें ये ओरिजिनल नहीं लगा हुआ है, मेड इन ताइवान का लगा हुआ है। एक्सपेंशन वाल्व इसका डुप्लीकेट है, तो अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंशन वाल्व यूज़ किया करें क्योंकि इसे खोलना इतना आसान नहीं है। पूरा आपके सामने मैंने इसका वाइब्रेटर बॉक्स निकालना पड़ता है, और ये देखें इसमें लिखा हुआ भी एक्ट्रोस किसी ने हाथ की मदद से, ये इसका ओरिजिनल एक्सपेंशन वाल्व नहीं है जिस वजह से ये जल्दी चोक हो गया। अच्छी क्वालिटी का जर्मनी का लगाएंगे इसमें ताकि हमें दोबारा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े।